नमस्कार आप सभी को भगवान बसवेश्वर की जन्म जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं कोरोना वैश्विक महामारी ने जो संकट पूरे विश्व के सामने उपस्थित किया है उसे देखते हुए मेरी यही कामना है कि हम सभी पर बसवेश्वर की कृपा बनी रहे और हम भारतवासी मिलकर इस महामारी को परास कर पाए और न सिर्फ भारत का पूरी मानव जात की कल, के कल्याण में कुछ न कुछ हम योगदान दे पाए साथियों मुझे भगवान बसवेश्वर के वचनों उनके संदेशों से निरंतर कुछ न कुछ सीखने का सौभाग्य मिला है चाहे उनके वचनों को देश की तेईस भाषाओं में अनुवाद हो यार फिर लंदन में उनकी मूर्ति के अनावरण का अवसर हर बार मैंने कुछ न कुछ नया सीखा है नई ऊर्जा प्राप्त की है नई प्रेरणा प्राप्त की है साथियों मुझे बताया गया कि 2017 में बसवन्ना के वचन के डिजिटाइजेशन का जो सुझाव मैंने रखा था उस पर आपने व्यापक काम किया है और इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं इस बार ये समारोह भी डिजिटली पूरी दुनिया में आयोजित किया जा रहा है लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए एक प्रकार से ये ऑनलाइन समागम का भी बहुत उत्तम उदाहरण है आपके इस प्रयास से बसवन्ना के जो उन्होंने रास्ता दिखाया है और उनके आदर्शों से दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे साथियों संसार में भांति भांति के लोग होते हैं हम देखते हैं कुछ लोग बातें तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन आचरण से उनका कोई लेना देना नहीं होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं तो ये तो जानते हैं कि सही क्या है लेकिन सही को सही बोलने से डरते हैं पहले स्वार्थ के तराजू से सब कुछ तोलते हैं लेकिन बसमन्ना ने सिर्फ उपदेश का रास्ता नहीं चुना बल्कि जो सुधार वो व्यक्ति में समाज में चाहते थे उन्होंने वो स्वयं से शुरू किया जब हम परिवर्तन को रिफॉर्म को खुद जीने लग जाते हैं खुद उदाहरण बनते हैं तभी हमारे आसपास भी सार्थक परिवर्तन होते हैं बसवन्ना ने और उनसे आप उनके दैवीय गुण भी सीख सकते हैं और साथ ही एक अच्छे प्रशासक एक अच्छे सुधारक एक प्रकार से समाज सेवा में समर्पित जीवन के रूप में भी हम उनसे प्रेरणा पा सकते हैं भगवान बसवेश्वर की वाणी उनके वचन उनके उपदेश ज्ञान का ऐसा स्रोत है जो आध्यात्मिक भी है और धरातल पर जमीन से जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल गाइड की तरह मार्ग भी दिखाते हैं उनके उपदेश हमें भी एक बेहतर मानव बनने की शिक्षा देते हैं और हमारे समाज को भी और अधिक उदार अधिक दयालु और अधिक मानवीय संवेदनाओं से भर देते हैं और साथियों भगवान बसवेश्वर जी उन्होंने जो कहा वो ये भी बताता है कि वो कितने बड़े दूरद्रष्टा थे आज से सदियों पहले ही भगवान बसवेश्वर ने सोशल और जेंडर इक्वलिटी जैसे बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उस जमाने में समाज का मार्गदर्शन किया था जब तक कमजोर को बराबरी का अधिकार और सम्मान नहीं मिलता तब तक हमारी हर उन्नति अधूरी है ये बात उन्होंने उस दौर में समाज को सिखाई थी बसवन्ना ने एक ऐसे सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखी थी जहां समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता पहली प्राथमिकता हो बसवन्ना ने मानव जीवन के हर पहलू को छुआ है उसको बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल समाधान सुझाए हैं बसमन्ना ने हमेशा श्रम का सम्मान किया उन्होंने मेहनत को महत्व दिया वो कहते थे समाज में बड़ा और छोटा हर व्यक्ति राष्ट्र की सेवा में एक श्रमिक ही है कितनी बड़ी बात बताई है उनका विश्व दर्शन करुणा और प्रेम से ही भरा हुआ था ऐसा लगता था जैसे मानो उनकी आंखों में से करुणा और प्रेम के झरने बह रहे हैं उन्होंने हमेशा अहिंसा और प्रेम को ही भारतीय संस्कृति के केंद्र में रखा और इसलिए आज जब हमारा देश हमारा भारत अनेक चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है तो बसवन्ना के विचार उतने ही प्रासंगिक हो जाते हैं उनके ईश्वरीय वचन हो या अनुभव मंटपा की उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था या फिर स्वावलंबन के प्रयास हो बसवेश्वर ने हमेशा इन्हें समाज निर्माण का अहम हिस्सा बनाया समाज और प्रकृति का एक भाव प्राकृतिक और सामाजिक संसाधनों का संयम के साथ उपयोग उनकी ये भावनाएं जितनी सैकड़ों वर्ष पूर्व महत्वपूर्ण थी आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है साथियों 21वीं सदी के भारत में भी आज अपने आसपास युवा साथियों में देशवासियों में सार्थक बदलाव के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति मजबूत संकल्प शक्ति मैं हमेशा अनुभव करता हूं 130 करोड़ देशवासियों की वही संकल्प शक्ति जिसकी प्रेरणा सदियों पहले बसमन्ना ने दी थी आज भारतवासियों को ये लगता है कि परिवर्तन वाकई उनसे शुरू होता है इस प्रकार की आशा और विश्वास देश को मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों से बाहर निकालने में बहुत मदद करता है और कर रहा है साथियों इसी आशा और विश्वास के संदेश को हमें आगे बढ़ाना है इतना ही नहीं उसको मजबूत करने में अपना योगदान भी देना है यदि हमें परिश्रम और परोपकार के लिए प्रेरित करेगा तभी तो हमें इच्छित परिणाम मिलेंगे यही इस दशक में हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगा आप सभी भगवान बसवन्ना के वचनों को उनके आदर्शों को दुनिया भर में प्रसारित करते रहें दुनिया को और अच्छा बनाते रहें इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इन सब कार्यों के बीच आप सभी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और इन दिनों स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए एक ही मंत्र है जब दवाइयां नहीं है वैक्सीन नहीं है और बीमारी कब कहां से आ धमकेगी पता नहीं है तब एक ही रास्ता बचा है दो गज दूरी हर एक के साथ दो गज की दूरी इस दो गज की दूरी के नियम का हम पालन करें औरों के भी प्लान पालन कराने के लिए प्रेरित करें एक बार फिर आपको बसव जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं धन्यवाद